तो दोस्तों मेरे पास इंस्टाग्राम पे कुछ ऐसी रिक्वेस्ट आ रही थी, जैसे कि उनको एक वीडियोस बनानी होती है, चाहे वो इंस्टाग्राम के लिए हो चाहे वो यूट्यूब के लिए हो, तो उनको एक बढ़िया सा ईयरफोन चाहिए, चाहे वो माइक्रोफोन हो या वो एप्पल का कोई भी ऐसा ईयरफोन जो कि बहुत बढ़िया क्वालिटी देता हो। तो दोस्तों आज हम कंपैरिजन करेंगे एक माइक्रोफोन जो कि एक चाइनीज कंपनी का बहुत बढ़िया माइक्रोफोन है, जो कि मैं काफ़ी टाइम से भी यूज़ कर रहा हूं और उसका रिजल्ट मुझे काफ़ी बढ़िया लगता है, और दूसरा कि एप्पल का एयरपॉड्स प्रो 2 जो कि लेटेस्ट लॉन्च है एप्पल की तरफ से। देखते हैं दोनों में से ऑडियो क्वालिटी किसकी बढ़िया है और लेट्स कंपेयर दोनों में से बेस्ट क्वालिटी कौन देता है। सो कीप वॉचिंग टिल द एंड। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप। तो दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये चाइनीज़ कंपनी का नीफो वायरलेस ईयरफोन है, जिसको मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, इसकी क्वालिटी मुझे काफ़ी पसंद भी है। तो देखते हैं इसका कंपैरिजन करके एयरपॉड्स प्रो 2 के साथ कि दोनों में से बेस्ट क्वालिटी किसकी है। पहले हम देख लेते हैं ये चाइनीज़ नीफो वायरलेस माइक्रोफोन के बॉक्स के ऊपर हमारे को क्या क्या फ़ीचर्स प्रोवाइड करी जाती हैं। अगर मैं इसकी फ़ीचर्स की बात करूँ तो इसमें प्लग एंड प्ले का ऑप्शन है, और दूसरा आप देख सकते हैं कि इसमें स्मार्ट नॉइस कैंसिलेशन भी है, और आप इंटरव्यूज़ के लिए भी बहुत बढ़िया माइक्रोफोन बताया जाता है, शॉर्ट वीडियोज़ और वीडियोज़ के लिए बहुत बढ़िया माइक्रोफोन है। अगर हम रिकॉर्डिंग बात करें तो रिकॉर्डिंग के साथ साथ इसमें चार्जिंग का भी ऑप्शन है। तो ये इसमें कुछ फीचर्स मेंशन है जो कि नीफो वायरलेस ईयरफोन पे है। अब हम देखते हैं इसके अंदर प्रोडक्ट में क्या क्या मिलता है हमारे को। पहले तो हम देख सकते हैं कि ये नीफो वायरलेस ईयरफोन है, जो कि हमारे को इसमें दो क्वांटिटी मिलेगी, और साथ में हमारे को एक टाइप सी टू यूएसबी भी हमारे को वायर मिलेगी, और अगर हम बात करें एक कनेक्टर भी हमारे को मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम ट्राई करके देखते हैं माइक्रोफोन जो कि हमारा नीफो कंपनी का है वायरलेस माइक्रोफोन, इसको ट्राई करके बताते हैं कि इसकी ऑडियो क्वालिटी कैसी है। मैंने इंस्टॉल कर लिया है नीफो कंपनी का वायरलेस ईयरफोन, और ये इंस्टॉल करना काफ़ी ईजी है, क्योंकि एक इसका कनेक्टर लगेगा लाइटनिंग पोर्ट के अंदर, और दूसरा आपका माइक है जो कि आप अपना इंस्टॉल कर सकते हैं, काफ़ी ईजिली इंस्टॉल हो जाता है। और इसके अंदर बहुत बढ़िया फीचर है कि आप साथ साथ में रिकॉर्डिंग के चार्जिंग भी कर सकते हैं। तो आपको आप ऑडियो क्वालिटी कैसी लगी आप मुझे बताइए, और इसकी रेंज भी काफ़ी दूर तक है, अप्रॉक्स 60 मीटर्स तक इसकी रेंज है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं काफ़ी दूर तक जा रहा हूँ, बट इसकी ऑडियो क्वालिटी में आपको फ़र्क नहीं नज़र आ रहा होगा। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं इसकी ऑडियो क्वालिटी बहुत बढ़िया है। अब हम चेक करेंगे एयरपॉड्स प्रो 2 का कंपैरिजन इस माइक्रोफोन के साथ। तो दोस्तों ये मैंने लगा लिया है एयरपॉड्स प्रो 2, इसमें आप देख सकते हैं कि इसकी वॉइस क्वालिटी कैसी है। इसका बैटरी बैकअप आपको पता ही है, काफ़ी देर तक इसका बढ़िया बैटरी बैकअप रहता है, और इसको केस भी इसका चार्जिंग का है, तो जैसे ही आप इसमें डालेंगे तो चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी, और साथ में इसके लाइट भी इल्यूमिनेट होती रहेगी। अगर रेड लाइट है तो इसका मतलब वो चार्जिंग हो रहा है, और अगर ग्रीन लाइट हो गई तो इसका मतलब चार्जिंग कम्प्लीट हो गया है। और दोस्तों अगर आप इसकी रेंज की बात करें तो इसकी रेंज आपको अप्रॉक्स 40-50 मीटर्स के अंदर मिलेगी, जो कि आपको तब भी बहुत अच्छी ऑडियो क्वालिटी देता है अगर आपको वीडियो शूट करनी हो, और चाहे अगर आप इसको शॉर्ट्स बनाने हो, चाहे आपको इंस्टाग्राम के लिए रील्स बनानी हो, तो बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। और जी हाँ दोस्तों, एक सबसे ज़रूरी चीज़ कि इसके प्राइस के बारे में, इसका प्राइस आपको अप्रॉक्स पड़ेगा 25,000 का एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल माइक्रोफोन। तो अगर मैं बोलूँ कि अगर अफोर्डेबल माइक्रोफोन अगर आप लेना चाहते हैं तो नीफो जैसी कंपनी के माइक्रोफोन बहुत बढ़िया हैं, जो आपको ऑडियो क्वालिटी भी अच्छी देंगे, और साथ में आपको बाद में वीडियो प्रोसेसिंग के अंदर आपको ज़्यादा एडिटिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है। क्या बोला तूने? तो दोस्तों अगर हम प्राइस की बात करें तो नीफो माइक्रोफोन जो कि वायरलेस है, ये चाइनीज़ ब्रांड है, तो इस तरीके के आपको और भी बहुत से मार्केट में मिल जाएंगे, पर मैंने ये लिया था अप्रॉक्सीमेटली 1000 का। अगर आप मार्केट में जाएंगे तो और भी आपको बढ़िया क्वालिटी के चाइनीज़ ब्रांड के माइक्रोफोन्स मिल जाएंगे, जिनका प्राइस रेंज अप्रॉक्सीमेटली 1000-1500 की रेंज में है। आज की वीडियो में मैंने आपको कंपेयर करके बताया एक माइक्रोफोन जो कि एक चाइनीज़ कंपनी का है, नीफो कंपनी का, उसकी आपको ऑडियो क्वालिटी बताई, और मैंने आपको दूसरा बताया एप्पल का आईफोन प्रो 2 की क्वालिटी। तो आपको दोनों में से कैसा लगा, कौन सा बढ़िया लगा, और कौन सा आप परचेज़ करना चाहेंगे, तो मेंशन करें आप कमेंट सेक्शन में। तो अगली बार एक और नई वीडियो में आपको मिलूँगा मैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।